वेश्यावृत्ति या जिस्म फरोशी एक किस्म का कारोबार होता है जिसमें पैसों के लिए शारीरिक रिश्ते बनाए जाते हैं। अर्थ लाभ के लिए स्थापित यौन संबंध वेश्यावृत्ति कहलाता है। इसमें उस भावनात्मक तत्व का अभाव होता है जो अधिकांश यौन संबंधों का एक प्रमुख अंग होता है। इस कारोबार को करने वाले शख्स को वेश्या कहा जाता है। आज की कहानी भी इसी वेश्यावृत्ति में जुटी एक महिला की है जिसने कई लड़कियों को इस देह व्यापार की ओर धकेला। एक ऐसी माफिया क्यून, एक ऐसी लेडी डॉन जिसने कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की, तमाम लड़कियों को इस देह व्यापार के बिजनेस में भेजा और खुद बहुत सारे पैसे कमाए। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी है लेडी डॉन सायरा बेगम की, जो मूल रूप से हैदराबाद की रहने वाली थी। वो अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। जब वो बड़ी हुई और उसके माता पिता की मौत हो गई तब उसके रहने का और खाने का कोई ठिकाना नहीं था। दरअसल वो एक गरीब घर की थी। जब उसके माता पिता की डेथ हो गई तो वो पूरी तरह से बेसहारा हो गई। ना उसके पास पैसे थे, ना घर, ना कोई ज़मीन जायदाद। वो एकदम बदहवास हो गई थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। इसी तरह वो काम की तलाश में हैदराबाद से दिल्ली आ जाती है। अब नौकरी मिले तो किस बिना पर मिले। ना उसके पास कोई डिग्री थी, ना ही उसके पास किसी काम का तजुर्बा था, ना किसी की सिफारिश। उसकी किसी से कोई जान पहचान नहीं थी। वो इस शहर में पूरी तरह से अनजान और नई थी। वो इसी तरह भटकते भटकते दिल्ली के जीबी रोड आती है और वहाँ रेड लाइट एरिया में प्रवेश करती है। इसी तरह से उसे पहली नौकरी एक सेक्स वर्कर के तौर पर मिली। वहाँ वो एक प्रेस्टिट्यूटर का काम करने लगी। इस धंधे में वो काफ़ी समय तक रही। उसे वहाँ रहते रहते और उस काम को करते करते इस लाइन का बहुत तजुर्बा हो गया था। वो समझ गई थी कि इस काम में बहुत पैसा है। अब इसी तजुर्बे के कारण जिस जगह वो पहले खुद ये काम करती थी, बाद में दूसरी लड़कियों को ये धंधा करवाने लगी। यानी कि वो खुद उसी कोठे की मालकिन बन गई और कई लड़कियों को इस देह व्यापार में घसीटा। इस धंधे में वो काफ़ी समय तक रही। इसी दौरान वो गिरफ्तार भी हुई थी। 1990 में उसी कोठे पर उसने ये बिजनेस शुरू किया था। इस काम को वो बखूबी निभाया करती थी। अब उसका धंधा चल निकला था। इस दौरान वो कई बार जेल गई क्योंकि सब कुछ इलीगल था। तो गिरफ्तारी होना, बाहर आना, कोठा बंद होना, फिर दोबारा से धंधा जमाना, ये सब उसके लिए एक आम बात हो गई थी। उसी दौरान यूपी के मुरादाबाद से एक शख्स जिसका नाम आफाक हुसैन था, वो भी काम की तलाश में दिल्ली आया। और किस्मत का खेल कहें या फिर संयोग, वो भी मुड़ भटकते भटकते जीबी रोड आता है और उसकी मुलाकात सायरा बेगम से होती है। इस समय सायरा बेगम इस धंधे की माहिर खिलाड़ी हो चुकी थी, तो उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। आफाक उसके पैसों से उसके धंधे से बहुत इम्प्रेस हुआ था। उसने सायरा बेगम से संपर्क किया और वो भी उसके काम में शामिल हो गया। बस वो उसके पैसों से प्रभावित होता और उसने ऐसा चक्कर चलाया कि कुछ ही दिनों में उसने सायरा बेगम से शादी कर ली। अब ये दोनों मिलकर पूरे जोरों शोर से ये धंधा चलाने लगे। दोनों ने बच्चों की तस्करी भी की। उन दोनों ने अपना एक गैंग बनाया और उस गैंग की मदद से बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, नेपाल से उन्होंने कई लड़कियों को इस जिस्म फरोशी के धंधे में तस्कर किया। वे और उनका गैंग लड़कियों को दिल्ली में नौकरी का लालच दिया करते थे। उन्हें बहाने से बहला फुसला कर दिल्ली लाया जाता और फिर इस धंधे में ज़बरदस्ती लगा दिया जाता। वे उन्हें शादी भी करवाने का झांसा दिया करते थे। उन्हें कोठे पे बिठा दिया जाता था। इस उम्र में लड़कियां ना समझ होती थीं या फिर गरीबी के कारण वे इस धंधे में फंस जाती थीं। घर वाले भी सोचते थे कि चलो बेटी को नौकरी रहेगी तो घर में कुछ मदद हो जाएगी। शादी का भी झांसा देने पर लड़कियों के घर वाले आसानी से उनके जाल में फंस जाते थे। वे ज़्यादातर गरीब मजबूर लड़कियों को ही अपना शिकार बनाया करते थे। और कुछ लड़कियां तो अपने मर्जी से इस धंधे में आती थीं, लेकिन उनकी तादाद कम हुआ करती थी या फिर वो भी गरीबी और मजबूरी की में आकर इस धंधे में शामिल हुआ करती थी। तो इन तमाम देशों से, इन जगहों से ये लड़कियां बुलाई गईं और ये दोनों पति पत्नी उन लड़कियों को हार्मोनस इंजेक्शन दिया करते थे जिससे वो अपनी उम्र से बड़ी लगने लगती थी। और ऐसा वे उन्हें सेक्स वर्कर बनाने के लिए करते थे और उनका धंधा और चले इसलिए भी। उन्हें ड्रग्स भी दिया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था, लेकिन वे चाह कर भी उस दलदल से, उस नरक से निकल नहीं सकती थी। कहा जाता है कि कम से कम 5,000 लड़कियों को इस सेक्स वर्क में डाला गया है। सायरा बेगम ने इन सभी लड़कियों को इस काम में डाला। न जाने कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी उसने बर्बाद कर डाली। जो लड़कियाँ यहाँ लाई जाती थीं, जिनके साथ ज़बरदस्ती की जाती थी, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता था। जो लड़की एक बार इस धंधे में आ जाती तो दोबारा उसका यहाँ से निकलना नामुमकिन होता था। 1 से 2 लाख में वो लड़कियाँ बेचा खरीदा करती थीं, लेकिन एक दिन उसके पापों का घड़ा भर गया
और 2016 में पुलिस के हाथ ये दोनों पति पत्नी लग गए। इनके साथ 6 और सहयोगी थे। दिल्ली के एक बदनाम गली में काला कारोबार करने वाला ये जोड़ा खुद बहुत ज्यादा शान से रह रहा था। जो लग्जरी गाड़ियां उसके पास से बरामद हुई ये उसकी गवाह थी। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने इस सेक्स रैकेट का खुलासा किया तो सामने आया 100 करोड़ की काली कमाई करने वाला पति पत्नी का जोड़ा। फॉर्च्यूनर, सफारी, इनोवा और होंडा सिटी जैसी करीब 6 गाड़ियों के इस मालिक के पास ढेर सारी संपत्ति थी जो उसने इस धंधे से कमाए थे। बैंक के लॉकरों में करोड़ों रुपए थे। दिल्ली और बेंगलोर में कोठी और फार्म हाउस थे। करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने वाले पति पत्नी अब पुलिस की गिरफ्त में थे। क्राइम ब्रांच ने आफाक हुसैन और उसकी पत्नी सायरा बेगम को दिल्ली में ऑर्गेनाइज तरीके से सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पकड़ा था। दिल्ली के जीबी रोड पे इन लोगों के 6 ठिकानों पर कब्जा था और करीब 20 सालों से पति पत्नी दिल्ली में सेक्स रैकेट के जरिए पैसे कमा रहे थे। सायरा बेगम और आफाक हुसैन एक हफ्ते की पूछताछ हुई जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने जीबी रोड के इनके ठिकानों को चलाने वाली नायिकाओं को भी पकड़ा गया। साथ ही आफाक के ड्राइवर वासु नेपाली की तलाश जारी थी। जिस्म फरोशी का सारा हिसाब किताब उनका ड्राइवर वासु नेपाली ही रखता था, जबकि कोठों पर मौजूद ये सभी लड़कियाँ का कंट्रोल में रखने के लिए 4 औरतों को रखा गया था। पुलिस के मुताबिक जीबी रोड में ऐसे 40 कमरे थे जिसमें करीब 250 लड़कियां थीं। क्राइम ब्रांच के अनुसार उन पति पत्नी की रोज की कमाई करीब 10 लाख से ऊपर थी। इसके बाद 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जानकारी भी पुलिस को मिली, जिनमें शाहीन बाग में घर, जयपुर में फार्म हाउस और बेंगलोर में भी करोड़ों की संपत्ति का पता चला। इनके कई बैंक अकाउंट्स थे जिनमें 6 करोड़ से भी ज्यादा नकदी मिली थी। इनके पास 6 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई थी जिनसे इन लड़कियों को ले जाने और ले आने का काम किया जाता था। आफाक हुसैन और सायरा बेगम की गिरफ्तारी के बाद जब उसके ड्राइवर वासु नेपाली की गिरफ्तारी हुई तब उसके पास से पुलिस को एक डायरी बरामद हुई थी जिसमें जिस्म फरोशी के काली कमाई का हिसाब किताब रखा जा रहा था। इस डायरी के मुताबिक ये गिरोह हर रोज जिस्म फरोशी के धंधे से करीब 10 लाख रुपये कमाता था। इसके अलावा इस डायरी में इस गिरोह के करोड़ों की संपत्ति भी दर्ज थी। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर लड़कियां झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, नेपाल से लाई जा रही थीं। लड़कियों को कंट्रोल करने के लिए सीनियर महिलाएं तैनात थीं, जिन्हें नायिकाएं कहा जाता था। पुलिस का कहना था कि आफाक एक लड़की के लिए 50,000 से 2 लाख रुपए में उसे खरीदता था। इनके मैनेजर का नाम सरफराज था। सरफराज एक क्रिमिनल था। जीबी रोड के सेक्स रैकेट केस में पुलिस ने सभी आरोपियों पर मकोका के तहत पहली बार कार्रवाई की थी। तो ये थी सायरा बेगम की कहानी, कैसे वो इस धंधे में आई, कैसे इन लड़कियों को जबरन इस धंधे में धकेला गया। तो आप सायरा बेगम की इस कहानी को सुनकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।